की श्वेता ने एप्पल में सुई से ना सैर भर दिया था और वो एप्पल उसने वैद्य को दे दिया, वैद्य उसे एप्पल को खाने वाली है। मम्मी श्वेता, तुम्हारे भेजे में बात नहीं घुसती है, मैंने मना किया था ना। जाके रोको उसे। शक्ति को ना एहसास हो गया श्वेता की करनी का, अब वो हमसे बदला लेने आएगी। हम ना एक नई डायरी बनाते हैं, तू बोलना और मैं लिखूंगी उन सारे हसीन पलों के बारे में जो तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए। जल्द से जल्द मुझे बताओ कि वो रूहानी ताकत कौन है। तांत्रिक गजेंद्र। पहले तुम बताओ तो तुमने मुझे नहीं बताया, क्या छुपा रही हो तुम? कोई पाप, कोई अपराध किया है तुमने? हवेली में बहुत से रहस्य छुपे हैं और तुम्हारे जीवन में वही रहस्य इस रूहानी ताकत से जुड़े हैं। इतना सच्चा प्यार माधव तुझसे करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा नफरत मैं तुझसे करती हूँ। ये मेरी बहू है चित्रा। किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। किसी की आत्मा है हवेली में, यही है रूहानी शक्ति। अपनी बहू चित्रा का नाम सुनकर तुम भयभीत क्यों हो गई? मैं बताना ही होगा नीलांबरी देवी, बताओ कैसे हुई थी चित्रा की मृत्यु? तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारे स्पर्श को, तुम्हारी हर बात को। हंसता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतनी तकलीफ होती है ये जानकर कि तुम्हें माधव की बिल्कुल परवाह नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बड़ी माँ? अगर इतनी परवाह होती तो चित्रा बहू का मंगलसूत्र तुम लाकर मुझे देती ना। सॉरी बड़ी माँ, मैं ये नहीं कर सकती। करेगी, तू ही करेगी वैजय। चित्रा, मुझे पता है तुम यही कही हो, तू जीते जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तुम मरने के बाद क्या खाक बिगाड़ोगी? चित्रा नहीं जानती कि नीलांबरी देवी उसी की चाल उसी के ऊपर चल जाएगी। चित्रा को क्या क्या नहीं पसंद, ये सारी चीजों की लिस्ट चाहिए मुझे। मंगलसूत्र दे दे उनको। ये तो नारायण काका की आवाज है। काका, मैंने कहा था ना चित्रा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये रहा तेरा मंगलसूत्र। अब तय हो गया कि तू होली का त्योहार मनाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझे, मुझे होली नहीं मनानी। तुम ये सब तब कर पाओगी ना जब माधव भैया तुम्हारे साथ होली खेलेंगे, इसीलिए ये भांग बना रही हूँ। पहले माधव भांग के नशे में धुत होगा, फिर मेरे हुस्न के नशे में। अगर मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ नहीं लगाए तो एक और चीज है जिससे तुम्हारा काम बन सकता है। तो भाई देरी किस बात की है, चलो होली खेलते हैं। माधव, तुम होली नहीं खेलोगे? मैंने एक बार मना कर दिया कि मैं होली नहीं खेलूंगा, तो मैं होली नहीं खेलूंगा। वैद्य ही माधव को कुछ ना कुछ करके मना ही लेगी, उसके बाद क्या करना है वो मुझे प्लान करना। अगर सब कुछ मेरी प्लान के हिसाब से हुआ ना तो माधव को होली में शामिल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। अरे थैंक यू सो मच, तू मेरे लिए चाय ले आई। तुझे पता है मुझे कुछ याद ही नहीं है कि आज क्या हुआ। मैं भी होश में नहीं थी, मुझे भी याद नहीं है। अच्छा हुआ वहाँ आप आ गई। मैं जानता हूँ कि आप दिन में यहाँ नहीं थी, लेकिन अगर किसी ने आपको बताया कि यहाँ क्या हुआ है तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए, क्योंकि हर कोई मुझसे अजीब बिहेव कर रहा है। जो कुछ भी दिन में हुआ उसे भूल जा।
माधव भैया के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है ना, उसकी वजह तुम नहीं बल्कि चित्रा भाभी है। इसीलिए तो मैं चित्रा दीदी जैसा बनना चाहती हूँ। और आप देखना भाभी, एक ना एक दिन माधव को भी मुझसे प्यार हो जाएगा। वो भोली भाली लड़की अपना खुद का अस्तित्व मिटाने चली है ताकि वो आपकी पत्नी चित्रा जैसी बन सके और आपका सच्चा प्यार पा सके। आप हैं कि अपने स्वार्थ के आगे उस बिचारी का भ्रम टूटने ही नहीं देते। चित्रा की आत्मा बहुत शक्तिशाली है, परंतु इस धागे से ज्यादा नहीं। धागा कितनी भी शक्तिशाली आत्मा को बांध सकता है। अपने घर में बांध दो तो चित्रा की शक्ति को खत्म कर देगा। चित्रा तू तो गई, तेरा खेल खत्म। हाँ, मैंने ये नहीं सोचा कि इन सब से वैदेही पर क्या गुजरेगी। आप चिंता मत करिए भाभी, मैं वैदेही से बात करूंगा, वंस एंड फॉर ऑल उसे समझा दूंगा कि वो मेरी दोस्त है और हमेशा खास दोस्त रहेगी। उससे ज्यादा वो मुझसे उम्मीद ना रखे। उम्मीद ना रखे? यहाँ उम्मीद से कई ज्यादा आगे बात बढ़ चुकी है माधव भैया। आप वैदेही के इतने करीब होकर भी ये नहीं समझ सके कि वो आपको सिर्फ अपना दोस्त नहीं समझती है बल्कि आपसे प्यार करती है, बहुत प्यार। अब तो ये बात वैदेही भी समझ चुकी है कि आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ चित्रा भाभी के प्यार की पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए तो आपको वैदेही दिखाई ही नहीं देती, ना उसे समझ पा रहे। आपका प्यार पाने के लिए वो चित्रा भाभी बनने की कोशिश कर रही है, पल पल घुट घुट के जी रही है वो। इसलिए माधव भैया, सिर्फ आपके लिए। पर अफसोस इस बात का है कि आप इन सारी बातों से बिल्कुल अनजान है। ये स्वार्थ नहीं है तो और क्या है माधव भैया? एक भोली भाली लड़की की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? देखिए मैं बस माधव भैया, ना मुझे कुछ सुनना है और ना कुछ कहना है। माधव, ये डायरी छुपानी पड़ेगी। उसे देख लिया मैं अकेले में डायरी पढ़ती हूँ तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। क्या हुआ माधव, तू यहाँ कैसे? तेरे कमरे फिर से चूहा आ गया है क्या? तू क्या छुपा रही है? कुछ भी तो नहीं है। तू जो छुपा रही है ना, वो मेरी डायरी है। सॉरी माधव, वो मैं बस ऐसे ही पढ़ रही थी। बोल दीजिए माधव, बोल दीजिए वैदेही को कि वो जैसी है वैसी ही बहुत अच्छी है, उसे मेरी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है। पर तुम मेरी डायरी क्यों पढ़ रही है? क्योंकि इसे पढ़ के मुझे चित्रा दीदी के बारे में पता चलता है। वो कैसी थी, उनका स्वभाव कैसा था, कैसे वो हर परिस्थिति का सामना करती थी, कैसे तेरा ख्याल रखती थी और तू उनसे कितना प्यार करता था, और ये भी कि मुझ में कितनी कमियां हैं। माधव, जब तू मेरे पास होता है तो मुझे कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं दिखाई देता। कैसे दूर जाऊं मैं तुझसे, नामुमकिन है ये मेरे लिए। वैदेही, मैं तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहा हूं।
भैया वो टिल्लू ना कल से अचानक से गायब है गए। अब हम क्या उसकी बीवी है जो जानकारी रखे कि कब आता है कब जाता है? इनसे पूछना आगे। यार वो देख टिल्लू को जूता यार। कौन बोल रहा है बे? कुंडली जानकर कुछ ना मिलेगा बेटा, एक बात कान के ढक्कन खोलकर सुन ले। तूने और उस तिवारी ने अपने नौकर टिल्लू को मारकर जहां दफनाया था वहीं उसी जगह जाकर कटी की झाड़ियों में 1,00,000 रुपए थैले में भरकर रख दे। तुम्हारा सच सामने आ चुका है गुनीका। मोटी बात क्या आप जानती हैं? कंपनी अपने नाम कराने के लिए इसने धोखे से आपके अंगूठे का निशान ले लिया था पेपर पे। ये कितनी शेडी जगह है, तुम्हारी गैम्बलिंग के अड्डे और अच्छी जगह पे नहीं हो सकते। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर, किंतु नारद मुनि द्वारा बताए श्री कृष्ण की विशेषता से हो जाता है भयभीत कि भगवान विष्णु अपने मूल रूप में आपकी हत्या नहीं कर सकते, किंतु ये बालक जो मथुरा की ओर आ रहा है वो भगवान विष्णु का मानव अवतार है, वो आपकी हत्या कर सकता है, और आमंत्रण देता है स्वयं की मृत्यु को। महाराज हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, यदि भद्रकाल का अंत हो गया है तो बेताल कहाँ गया? महारानी बेताल अपने उचित स्थान तक पहुँच चुका है। सहस्त्र वर्षों से हम पुतलियाँ श्रापित हैं, हम अपने इस श्राप से मुक्ति चाहते हैं। अपनी मुक्ति चाहिए तो ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। आओ सब मिलकर निश्चित करें विक्रम और बेताल का अंत।